एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बियर्डो ब्रांड का फेस स्क्रब, जो कि मुझे कुछ टाइम पहले रिसीव हुआ था। रिजल्ट काफी अच्छे हैं, मैंने इसे यूज किया है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इसे शेयर करती हूँ। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह की वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइस, तो ये है बियर्डो ब्रांड का फेस स्क्रब। पिक्चर मैंने यहाँ पर दे दी है, पॉज करके वीडियो को देख लेना। जो बॉक्स है काफी अच्छा है और बॉक्स में सारी डिटेलिंग वगैरह लिखी हुई है। मैंने इसे यूज करके फिर से मैंने इसी बॉक्स में रख दिया था क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर करना था। हमें एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा जार रिसीव हुआ और इसकी आउटर पैकेजिंग बहुत अच्छी है, गोल्डन कलर का। यहाँ पर ये सुंदर सा कैप है यहाँ पर। अच्छा, सबसे अच्छी बात हम देखते हैं अगर पैकेजिंग में कि ये कांच का जार नहीं है, क्योंकि जब कांच का जार होता है तो भाई मेरी आधी जान तो यूं ही निकल जाती है कि ये गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो इस टेंशन से आप सब दूर रहोगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, इसका जो प्राइस है 499 है, बट ये मुझे रिसीव हुआ है 250 में। इनकी वेबसाइट से मुझे रिसीव हुआ है। यूज़ कैसे करना है, जो इसमें लिखा हुआ है आपको यूज़ करना है, एक सही अमाउंट में आपको अप्लाई करना है और उससे आपको अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से नोज एरिया, चिन एरिया एंड फोर हेड पर आपको ज़्यादा फोकस करना है स्क्रबिंग करने में। और स्क्रबिंग आपको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा स्क्रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, स्क्रब से क्या होता है, स्क्रब हेल्प करता है आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड आपकी डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है। आप जब भी स्क्रब करो, स्क्रब करने से पहले आपको स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ओपन पोर्स खुल जाते हैं। और स्क्रबिंग आपको वीक में 2 बार करनी है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो चलो देखते हैं कि इसमें किस तरीके के पार्टिकल्स हैं, कैसा स्क्रब है, इसकी स्मेल कैसी है, फ्रेग्रेंस कैसी है। सो ओके, लेमन वाली फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें, बहुत अच्छी सी स्मेल है इसकी। जब हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना और उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, अगर वो अच्छी होती है ना, प्रोडक्ट यूज़ करने में मज़ा ही आ जाता है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत अच्छी है, बहुत मतलब मज़ा आ गया। इसे अप्लाई करके भी देखते हैं और इसका टेक्स्चर देखते हैं। टेक्स्चर इसका बहुत क्रीमी सा टेक्स्चर है, बहुत क्रीमी, सुपर क्रीमी टेक्सचर है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए, सभी स्किन टाइप को ये सूट करेगा। अगर इसमें पार्टिकल्स की बात करूँ तो ठीक है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग से आपकी स्किन बेकार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सुपर क्रीमी, मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है यार। अच्छा, इसकी परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिए, जाकर के चेकआउट कर लेना। और हाँ, वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब इसे पानी से अच्छे से वॉश करना है, देन उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओ अगर आपको नीड है तो। वैसे विंटर का टाइम है, ड्राई स्किन है आपको, तो आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत 100% होगी। सो ओके, मॉइस्चराइजर स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।